please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। ठीक इसी वक्त 4 दिन पहले देश में मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थी, मिठाइयां बांट रही थी, क्योंकि लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पास हो गया था। लेकिन उन्हें ये उम्मीद बंध गई थी कि अब उन्हें 3 तलाक से फाइनल आजादी मिल जाएगी। लेकिन आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उससे कई बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या स्वार्थ की सियासत मुस्लिम महिलाओं के हक पर बहुत भारी पड़ रही है? क्या संख्या बल के आधार पर राजनीतिक दलों की नीति और नियत दोनों बदल जाते हैं? क्योंकि लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ बिल का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने राज्यसभा में पलटी मार डाली। तो क्या मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई सियासी दांवपेच में फंस के रह गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। फाइनल टेस्ट में 3 तलाक फंस गया है। लोकसभा के पास पारित होने के बाद भी 3 तलाक दिया जा रहा है। जिस कानून के लिए मुस्लिम महिलाएं आस लगाए इंतजार कर रही थी, राज्यसभा में इससे जुड़े बिल को पेश होते हुए देखने के लिए तमाम मुस्लिम महिलाएं दर्शक दीर्घा तक जा पहुंची। वो बिल कुछ इस तरह राज्यसभा में पेश हुआ। जबरदस्त हंगामे के बीच कानून मंत्री ने इसे पटल पर रख दिया। Three from the INC. Country is watching that in the other house you supported the bill and in this house you are trying to derail the bill. जो हिंदू महिलाएं अबैंडन हो जाती हैं, जो सिख महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं अबैंडन कर देता है अपना पति, उनके प्रति तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके उनकी आंखों में उनके लिए तो आंसू आते नहीं हैं, केवल मुसलमान महिलाओं के लिए आते हैं। टकराव और हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित हो गई। यानी साफ है कि विपक्ष के रुख के चलते 3 तलाक का बिल राज्यसभा में फंस चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा में 3 तलाक के बिल का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने राज्यसभा में क्यों पलटी मार दी? लोकसभा में कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया और राज्यसभा में दूसरा स्टैंड लिया और तमाम अड़चन के साथ इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। तो क्या कांग्रेस सदन में संख्या बल के हिसाब से इस बिल पर सियासत कर रही है? ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जरा 4 ही दिन पुरानी इन तस्वीरों को देखिए, जब लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थीं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाओं के हक का मुद्दा राजनीतिक स्वार्थ में उलझ गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। फाइनल टेस्ट में फंसा 3 तलाक। कम बोलना। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण तो जरूरी है आपके लिए समझना। सियासी स्वार्थ में बदली चाल का विश्लेषण, सियासी स्वार्थ में फंसा मुस्लिम महिलाओं का हक, कांग्रेस का बदला रुख बिल की राह में बड़ा रोड़ा बना है। उसके बाद सिलेक्ट कमेटी का मतलब ठंडे बरसते में जाएगा बिल, मुस्लिम महिलाओं को हक से बेचैन है कुछ नेता और मौलाना, लोकसभा में आपत्ति नहीं तो राज्यसभा में विरोध क्यों? जब आपने लोकसभा में एक बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा में आपत्ति क्यों है आपकी, विरोध क्यों है आपका? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज डॉक्टर संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस के तीखे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ धर्मगुरु है अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, नाजिया खान है वकील है, सैयद रिजवान अहमद है जो कि वकील भी है और इस्लामिक स्कॉलर भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के अखिलेश प्रताप सिंह, मैं इस डिबेट का फॉर्मेट बता देता हूँ, 50-50 सेकंड सब अपनी राय रखेंगे और उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, जब आपको लोकसभा में आपत्ति नहीं थी तो विरोध राज्यसभा में क्यों, क्यों पलटी मारी कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर, इसकी सफाई क्या है? क्या आप 3 तलाक बिल को अटकाना चाहते हैं जैसा बीजेपी आप पे गंभीर आरोप लगा रही है? जवाब। तो मेरा जवाब पहला ये है कि अगर लोकसभा में कुछ हो जाए, राज्यसभा में न होना चाहिए तो फिर राज्यसभा को बंद कर दीजिए। अगर आपकी बात मानी जाए तो राज्यसभा की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में मोहर लगी, राज्यसभा मोहर मार के भेजती रहे डाक टिकट के तरह से, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
हमारे संवैधानिक का कुछ संज्ञान है कि नहीं आप लोगों को? हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार है ये संसद में, और दूसरी बात कि लोकसभा में आप जबरदस्ती बिल को पास करा रहे हैं। आपने, मैं आपको याद दिला रहा हूं, भूमि अधिग्रहण बिल का क्या किया था आपने? जबरदस्ती लोकसभा में पास किया था अध्यादेश लाने के बाद भी। राज्यसभा से जब नहीं हुआ, तीन बार अध्यादेश लाए, फिर आपको वापस करना पड़ा। जीएसटी का क्या किया आपने? लोकसभा में बहुमत थी, जबरदस्ती आपने पास किया था जी। बाद में क्या हुआ? नहीं माने, फिर राज्यसभा में बहुत दिनों बाद इधर करके आप पास करा पाए। और आज जीएसटी को कितने बार परिवर्तन करना पड़ रहा है, और फिर वही बहुमत के बल पे जबरदस्ती कर रहे नहीं, शुरू में बात तो कहां बात होगी? नहीं नहीं बिल्कुल, अब आपने अपना टाइम ले लिया, अब आपने पूरा एक मिनट लिया, दस सेकंड ऊपर ही लिए जो आपका समय था, अलॉटेड टाइम था। मैं सीधा रुख करता हूं अब नाजिया खान का। नाजिया खान, कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है, क्या आप उससे वाकिफ हैं? क्या लोकसभा में भी यही स्टैंड था? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कांग्रेस के प्रवक्ता आके बोल रहे थे, हमने बिल को पास करवाया है, बीजेपी क्यों इसका क्रेडिट ले रही है, ये बिल हमारा पास कराया हुआ है। तो अब राज्यसभा में स्टैंड बदला है, क्या आपको लगता है ठीक है जो कांग्रेस स्टैंड ले रही है? फिर आज तो कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि मुसलमान महिलाओं का अधिकार मैं छीन रहा हूँ, मुसलमान महिलाओं को आजाद होने से मैं रोक रहा हूँ, और मैंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है राज्यसभा में, और मैं मुसलमान महिलाओं को डर में ही जीने दूंगा, और उनको उनको बेइज्जती की जिंदगी ही दिलवाऊंगा। ये भी कांग्रेस को बोलना चाहिए। जब उन्होंने एक तरफ पक्ष लिया तो दूसरी तरफ उनको अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए, और नेशनल चैनल पे ही करनी चाहिए जी। आपने अपनी बात इस तरीके से कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रही है जी। आपने अपनी बात को कंप्लीट करा, आपके 15 सेकंड बचे हुए थे, आपके 15 सेकंड में आपको आगे दूंगा। मैं काश्मी साहब आपका रुख करता हूं, आपके इशारे पे काम कर रही हैं कुछ पार्टियां, आप पे ये आरोप लग रहा है? मेरे पास इसका एक बड़ा प्रूफ है, मैं वो खुलासा करूंगा इसी कार्यक्रम के दौरान। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो अपने एक पर्सनल लॉ के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा जो है ये बोर्ड काम करता रहा है। इस वक्त जो बिल सामने है, वो बिल को देखने के बाद एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी कह देगा कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ जहालत का पुर्जा है, जहालत का और हिमाकत का एक टुकड़ा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ये बिल। ये पूरा बिल में जो भी 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, सारे के सारे मुस्लिम महिलाओं के नहीं, बिल्कुल महिलाओं के हित के खिलाफ जा रहा है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ, किसी से भी आप मेरा चैलेंज करा लीजिए दो टोक, मैं करने के लिए तैयार हूँ, कि उसके एक एक सेंटेंस ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हर सेकुलर पार्टी की जिम्मेदारी है, कि इस बिल को रुकवाए और महिलाओं के हित की हिफाजत करे। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और मुसलमानों की, बल्कि सारे सेकुलर पार्टियों की, और कांग्रेस जो कर रही है राज्यसभा में, मैं समझ रहा हूं कि तमाम सेकुलर पार्टियों को ये करना चाहिए, तमाम सेकुलर पार्टी को ये कहना चाहिए। आप भी वकील हैं रिजवान अहमद साहब, और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, सेकुलर जमात को 3 तलाक बिल रास नहीं है, ये ज्ञान सेकुलर जमात को कब हुआ? जब लोकसभा में यह बिल पास हो गया, 4 दिन पहले यह ज्ञान नहीं था जो मौलाना साहब बोल रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं, और फिर मेरे पास एक पेपर है जिस पर मैं खुलासा करूंगा कि आखिर यह मामला क्या है, और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम और संबित पात्रा। रिजवान अहमद जी, अमीश भाई, एक एक हिंदी की कहावत है, खरगोश को बचाओ और भेड़िए को भड़काओ, खरगोश को बचाओ और भेड़िए को भड़काओ। 1985 में जमाना कुछ और था अमीश भाई, तो कांग्रेस ने खुला खेल खेला था और खरगोश को ले जाके भेड़िए के सामने रख दिया था। आज थोड़ा जमाना बदल गया है, अमीश भाई जैसे लोग आ गए, मीडिया आ गया है, तो यही खेल अब कांग्रेस थोड़ा सा छुप के खेल रही है, भेड़िए से कह रही है कि खरगोश को खा जाओ, और खरगोश को बता रही है कि भेड़िया कहां है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश में जिन भी अपराधों में शौहर हस्बैंड जेल जाते हैं, जैसे डाउरी एक्ट में 5 साल की सजा है, उसको भी बंद कर दो जी। 494 में 7 साल की सजा है अगर हिंदू आदमी दूसरी शादी कर ले, उसको भी बंद कर दो। 495 में 10 साल की सजा है जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, 3 तलाक के ऊपर जो कांग्रेस का स्टैंड बदला है, इसके मायने क्या है? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं दिलवाना चाहती कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल, इसीलिए वो अलग खड़े हैं आज, आप क्या राय रखते हैं?
देखिए अमीश देवगन जी, तीन तलाक के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि तीन तलाक जो है वो संवैधानिक नहीं है और तीन तलाक बोलने से तीन तलाक नहीं होगा, तो मामला उसी दिन ख़त्म होना हो गया था कि अगर कोई तीन तलाक देगा, तलाक 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 करेगा तो तलाक नहीं होगा। जब तलाक नहीं होगा तो फिर उस पर मुकदमा दर्ज क्यों होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सवाल है कि तीन तलाक जब बोल दिया और वो हुआ ही नहीं तो उसकी सज़ा किस बात की है। तो बिल में खामियां हैं ये अलग बात है, मगर मैं एक दूसरी बात रखना चाहता हूं। सवाल और मसला तीन तलाक नहीं है, मसला है कि इस देश की जो सरकार है ये बहुत ताकतवर सरकार है और ये पूरे देश को मैसेज देना चाहती है कि हम जो जी चाहे कर सकते हैं, हम किसी की भी किसी की तौहीन कर सकते हैं, किसी के धार्मिक मामले में दखल दे सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जो जी चाहे करेंगे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर, आप सरकार किसी के भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है, ये बड़ा आरोप लगा रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम। इसका जवाब संबित पात्रा आप देंगे। संबित पात्रा, कपिल सिब्बल को आपने सुना, अखिलेश प्रताप सिंह को आपने सुना और आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आपने सुना, विचार क्या है अब आपके बताइए। देखिए अमीश भाई, मैंने सबको सुना और सुन के बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि हमें लग रहा था कि शाह बानो से शायरा बानो तक का जो सफ़र हिंदुस्तान की राजनीति ने तय किया था, शायद उसमें कहीं ना कहीं शाह बानो जो हार गई थी आज शायरा बानो बनकर जीत के उभर रही थी। मगर हिंदुस्तान की जो राजनीति है जिसमें कांग्रेस जैसे पार्टी है और आचार्य जैसे ढकोसलेबाज लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म को आड़े खड़ा कर दिया। और आज जो मुस्लिम महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी वो हक भी छीन लिया, उसे कह रही है जलालत है, ये हिकारत है। आप बताइए, किसी मुस्लिम महिला के हक के लिए लड़ना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया, वो जलालत और हिकारत है। और इनके लिए पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, सड़क पर छोड़ दे, वो अच्छी बात है। देखिए, सत्य के लिए लड़ना आसान लड़ाई नहीं होती है। ठीक है, हमने ये लड़ाई शुरू की है, हम जरूर जीत के रहेंगे। और मुसलमान आचार्य प्रमोद कृष्णम रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। देखिए अभी संबित पात्रा जी, पहली बात तो इनकी भाषा देखिए, ढकोसला, ये मुझे जो मर्जी कहें मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। सम्मान देना अब इनके संस्कार नहीं रहे, अपमानित करना। लेकिन मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि आप सीधा सीधा ये बोलो कि हम मुसलमानों की शरीयत में दखल देना चाहते हैं, कौन रोकेगा? बदल दो उनकी धार्मिक भावनाओं में, अगर आप दखल देना चाहते हैं तो दे दें, आपको कोई नहीं। लेकिन आप मुस्लिम औरतों का बहाना लेकर के मुसलमानों को धमका रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं और मुसलमानों को यह कहना चाहते हैं कि आप होश में हो जाओ, तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारी धार्मिक मामलों को कैसे आरोप लगा रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? अरे मुस्लिम महिलाएं चाह रही हैं कि उनकी रक्षा हो, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार धमका रही है। जाना पड़ेगा, उसे क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तलाक बोलने से तलाक नहीं होगा, तो ये सजा का प्राविधान क्यों है? हाँ, तो ये क्रिमिनल मैटर हुआ। आप किसी औरत की तीन तलाक बोलने से तीन तलाक नहीं होगा, तो खत्म तो उस आदमी को, उस आदमी को थाने में ले जाके घसीटोगे आप? ये दखल हुआ, शौहर का बीबी का रिश्ता कैसे कायम रहेगा? अगर कोई बीबी अपने आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी, अगर कोई बीबी अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी, पुलिस इसे पीट के घसीट के ले जाएगी और घसीट के ले जाके जेल में डालेगी। जब जेल में डालेगी तो जमानत होगी, जब जमानत होगी तो वो आके अपनी बीबी को रखेगा, उसका घर बर्बाद होगा या आबाद होगा? उसका घर बर्बाद होगा या आबाद होगा? जब तीन तलाक बोलने से तलाक होगा ही नहीं, जब तीन तलाक बोलने से तलाक होगा ही नहीं, तो उसमें सजा पुलिस और स्पोर्ट, ये सरकार ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। होल्ड ऑन, सबमिट पात्र रिस्पोंड, सबमिट पात्र रिस्पोंड, ओके, नाज़िया खान आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, नाज़िया खान आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, नाज़िया खान, होल्ड ऑन, आपने अपनी बात कही नाज़िया खान, ओके, सबमिट पात्र रिस्पोंड टू आचार्य प्रमोद कृष्णम नाउ। देखिए, मैं बड़ा प्रेम से कहना चाहता हूं और आपसे कह रहा हूं अमीश भाई, कि मैं आदर तो करता हूं आचार्य वर का, मगर आप इस प्रकार के आचार्यों को ना बुलाएं जो हिंदू धर्म को
गर्त की ओर लेने की बात करते हो, जो हिंदू धर्म को रिग्रेसिव तरीके से अपने चैनल में प्रस्तुत करते हो। क्या बोल रहे हैं ये? ये कह रहे हैं कि शरिया के ऊपर हम लोग हावी हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के हिसाब से ट्रिपल तलाक को इल्लीगल और वॉइड करार दिया है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने शरिया के कानून को हिकारत कर दी, उसको अलग कर दिया? आप क्या कह रहे हैं? अरे आचार्य हैं, एक महिला बोल रही थी, आप उसको भी बोलने नहीं दे रहे हैं? अरे आचार्यवर, आप अगली बार से आएं तो वो ऊपर की मूंछ कटवा ले, केवल दाढ़ी रखे और टोपी पहन के आएं। ये मैं आपको आचार्य नहीं कहने वाला हूँ, कल से मैं मौलाना कहने वाला हूँ। अभी तक तो ढोंगाचार्य कहा, मगर ये बिल्कुल करूंगा। ये धर्म के लिए, ये हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है, मौलाना के शब्दों को यहाँ बोलना, या ये मौलानाओं के शब्द को बोल रहे हैं? ये शरीयत के विषय में क्या जानते हैं आचार्य? ये शरीयत के विषय में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानते हैं क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कानून बनाने के लिए कहा है, तो आप इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाएंगे? आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे हिंदू धर्म महिलाओं को देवी मानता है, आप यहाँ महिलाओं के अधिकार को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। अमित देवगन जी, ये अभी इन्होंने दो शब्द कहे बड़े प्रेम के साथ, ढोंगाचार्य और मुझे मौलाना कहेंगे। मुझे ये मौलाना कहो, शंकराचार्य शुक्राचार्य कहो, राक्षस कहो, लेकिन मैं इनके पाप में शामिल नहीं हूँ। इनकी नीयत खराब है। ये पाकिस्तान, सुनिए, ये पाकिस्तान में जाके वहां तो अच्छा। दोस्ती करते हैं मुसलमानों से। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की मां के पांव छूते हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर इतना दुश्मन समझते हो तो एक गठरी में बांधो, समंदर में डुबो दो। में नवाज शरीफ की मां कहां से आ गई? आप मंदिर तो बनाते नहीं, मंदिर के नवाज शरीफ की मां कहां से आई? मुझे बताइए, कटने के खिलाफ बिल तो मुझे बताइए, ये मंदिर कहां से आया? बिल तो लेके नहीं आए। ये ट्रिपल तलाक में गाय कहां से आई? अगर हिंदू नवाज शरीफ की मां, गाय, मंदिर, ये ढोंगाचार्य कहां से लेके आते हैं आप? अरे शर्म, ये बताइए आप, ये नवाज शरीफ की मां, गंगा, गाय, ये सब कुछ आ गया, जनता पार्टी का क्या होगा? आचार्य ट्रिपल तलाक पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। मंदिर को बनाने के लिए इसीलिए मैं इनको किया था, करोड़ों हिंदुओं से वादा किया था, आप मंदिर बनाएंगे, आप मौलाना, अरे शर्म करो, गायों के काटने के ऐसे मत करो, अल्लाह नाराज हो जाएंगे मौलाना आपसे। आपने वादा किया, ये मौलाना से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा, मेरे को ये ज्ञान नहीं हो रहा कि आपने सारे मुसलमानों को इससे कैसे जोड़ लिया। ये तीन तलाक तो मुस्लिम महिलाओं को हक की बात है, इसमें आपने सारे मुसलमानों को कैसे जोड़ लिया? तीन तलाक तो मुस्लिम महिलाओं को हक की बात है, इसमें आपने तमाम मुसलमानों को कैसे जोड़ लिया? मैं अखिलेश प्रताप सिंह की बात आता हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह मैं आपकी बात आता हूं। कांग्रेस का स्टैंड अचानक क्यों बदल गया? आज कपिल सिब्बल संसद के बाहर हिंदू औरतों की भी बात कर रहे थे, क्रिश्चियन महिलाओं की भी बात कर रहे थे, क्यों? अभी तक तो आप कह रहे थे कि रोकने के लिए बिल नहीं लाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, होल्ड ऑन ना, तीन तलाक के हिंदू धर्म में होते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, तीन तलाक के हिंदू धर्म में होते हैं, तीन तलाक के क्रिश्चियन धर्म में होते हैं, तीन तलाक जिस धर्म में होते हैं उसी के खिलाफ कानून आएगा ना? ये शरीयत में, शरीयत में इंटरफेरेंस कहते हैं? इस्लाम की तहजीब, पहले पहले सुनो, पहले पढ़ो। हमारा जो हमारे यहाँ विवाह है वो संस्कार दूसरा है। अखिलेश प्रताप सुनिए, ढोंगाचार्य मौलाना तो ये बात साफ हो गई थी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आपकी बात आता हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में ब्रेक से पहले बहुत बड़ी बहस हुई। अखिलेश प्रताप सिंह के पास मैं जाना चाहता हूं इस दौर में, और कोई नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह। मेरे पास एक पेपर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक बिल पर क्या कह रहा है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम बड़े नेता AIDMK और DMK से मिले थे कल, और इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। और मैं एग्जैक्टली कांग्रेस का स्टैंड भी यही देख रहा हूं कि कांग्रेस भी सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाह रही है बिल को। तो इन दोनों में कुछ जॉइंट वेंचर है या फिर वो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है अमीर जी। जी, मैं आदरणीय मोदी जी के
पार्टी के प्रवक्ता जो ये कहते हैं कि माननीय मोदी जी भारत माँ के बाप हैं और वो यहाँ महिलाओं के प्रति जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनको और आप सारे लोगों को पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया है। अब उसको बात उसकी नहीं हो रही है, इस अवैध कृत जो करेगा उसे क्या दंड दिया जाएगा, उस पर कानून बनाने की बात हो रही है। पहले तो ये कन्फ्यूजन सब फैलाना बंद कर दें आप लोग कि ट्रिपल तलाक पे बहस हो रही है। ट्रिपल तलाक चैप्टर क्लोज हो गया, वही नहीं है सर, उसकी सजा पे बहस हो रही है, ये तो सबको पता है। ये छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। लेकिन आप लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहा, अरे पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और दूसरी बात देखते हैं, सबको पता छह महीने पहले बंद हो चुका है। थोड़ा सुनना सीखिए। जी बताइए सीखिए। दूसरी बात, जितने दल हैं वो सब इसके पक्ष में हैं, कोई इसका विरोध पार्लियामेंट के किसी सदन नहीं कर रहा है। 17 दलों के तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आनंद शर्मा चुके नेता है विरोधी दल के, सर कपिल सिब्बल आपके नेता कह रहे हैं, नहीं आप सुनिए, देखिए अखिलेश जी मैंने आपको फेयर चांस दिया, कपिल सिब्बल आपके नेता कह रहे हैं हिंदू और सिख महिलाओं के मामले में जल्दबाजी क्यों नहीं, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर क्यों, इसका मायने में क्या समझू, नाजिया अखिलेश को सुनिए। जब आपका अवसर है तो बोलिएगा, जब अवसर है तो बोलिए, बारी बारी सब बोलिएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। हर सदन में हर किसी ने कहा कि हम लोग इसके साथ हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रिपल तलाक के हम विरोध में हैं। सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है ये सिलेक्ट कमेटी में जाए बिल, और कांग्रेस भी वही चाह रही है, तो क्या मतलब समझा जाए इसका? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है ये सिलेक्ट कमेटी में जाए बिल, कांग्रेस भी वही चाह रही है, तो इसका मतलब और मायने क्या समझा जाए? आपने लोकसभा में ये बात करी थी कि नहीं करी थी? आप मुझे बताइए लोकसभा में आपने क्या कहा था, लोकसभा में आपका स्टैंड क्या था, लोकसभा में आपका स्टैंड क्या था? क्यों बोलने दोगे ना, बोलने दे रहा हूं, बोलने दोगे? ये क्या करते हो आप, यही हाल पार्लियामेंट बना रखे हो, बोलो, बात नहीं करने देते हो, बहस नहीं करने देते हो? 17 दल के सदस्यों ने लिखित में दिया है सेलेक्ट कमेटी के लिए, आप बहस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सदन में क्या हुआ? संबित पात्र रिस्पॉन्ड, संबित पात्र रिस्पॉन्ड, ये एलिगेशन आपकी पार्टी के ऊपर, जवाब दे दीजिए। गुमराह मत करिए, रिस्पॉन्ड नहीं, पहले बात सुनिए। अमीर देवगन बात सुनिए, आपकी बात डेढ़ मिनट आप बोले, बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं डेढ़ मिनट आप बोले, फिर अपोजिशन ने कहा कि आप डिवीजन कर लीजिए, ठीक है, आपने कहा डिवीजन कर लीजिए, जवाब स्पीकर ने क्या कहा? ठीक है सर, 2 मिनट हो गए, सभी पात्र जवाब मानी नहीं रहे, सभी पात्र 40 सेकंड और बोल देते हैं, तभी तो बोलूंगा। पहली बार सुनिए, एक लाइन अखिलेश जी ऐसे नहीं हो सकता ना, और सुनिए भाई बात सुनिए, ठीक से बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, आप ही सिर्फ थोड़ी बोलेंगे बहस के अंदर, आधे तिया बहस करने में कंफ्यूजन होता है। पहली बार देखा आपने कि सत्ता पक्ष के मिनिस्टर बिल में आके हाउस एक्शन करा रहे, ठीक है, सभी पात्र जवाब दे दीजिए, ठीक है, क्यों आ रहे हैं बिल, जवाब सुन लेते ना, बहस अखिलेश जी, देखिए ब्लैकआउट भी हो गया, अखिलेश जी ओके, सभी पात्र रिस्पॉन्ड, सभी पात्र 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान की जनता, मुस्लिम महिलाएं सब बहुत बारीकी से इन विषयों को देख रही है, खुद मुस्लिम महिलाएं आज वहां सदन में मौजूद थी और इसको ऑब्जर्व कर रही थी। बड़ा दुखद विषय है कि नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि ये सब इम्पोस्टर्स अर्थात नकली मुसलमान महिलाएं हैं, असली मुसलमान महिलाएं नहीं है। देखिए इस कदर तो आज विपक्ष की परिस्थिति है, लोकसभा में एक भी अमेंडमेंट प्रेस नहीं किया, राज्यसभा में आके 4 घंटे का डिबेट के लिए वक्त मिला, उस डिबेट के वक्त का भी इस्तेमाल नहीं किया, उससे पहले ही हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा, और मुझे आश्चर्य होता है जितना जल्दी देखिए हिंदुस्तान की तारीख में कोई एग्जांपल बताइए, यहाँ भी देखिए ये दोनों मौलाना मिलके, उसी दिन इंट्रोड्यूस किया गया, उसी दिन चर्चा हुई, जिस प्रकार उसी दिन पास कर दिया गया, इतनी जल्दबाजी कभी किसी तारीख में किसी बिल के साथ नहीं है, अगर इतनी जल्दी महिला
आज एक परेशानी है कि बिल जल्दी आ गया और अगर जल्दी नहीं कानून ले लाया जाता तो ये परेशानी होगी। आरएसएस के मेंबर है या नहीं, यस नो में जवाब दे देंगे। पहला ये कि जो बड़े भाई आचार्य जी ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को डरा रही है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हम शरिया को डिस्टर्ब कर देंगे। पहली बात, मैं उस बात का खंडन करता हूं, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। दूसरी चीज, जो फैक्ट है वो फैक्ट बात करो, जो सही है वो सही बात करो। दूसरी चीज, बताओ इस बिल में महिला के हित के लिए क्या है? आप गाली मत बकड़ा, तहजीब के साथ करो। नहीं नहीं, रुकिए सर, आपका ऑडियो डाउन है। काजमी भाई, नहीं देखिए, मैं आपको थैंक यू कह दूंगा अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। अब चले जाइए फिर उठकर। अगर आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप उनको 40 सेकंड नहीं बोलने देंगे क्या? चुप रहिए, अभी जब आपका मौका आएगा तब बोलेगा, जब आपका मौका आएगा तब बोलेगा। सर ये तरीका नहीं, सर ये बहस का तरीका ही नहीं है। सर ये बिल पर बहस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं गाली गलौज की भाषा बोल रहे हैं आप। चुप रहिए, सैयद रिजवान बोलिए, ठीक है? अरे एक सेकेंड, अरे अमीर जी, गाजी भाई, अमित जी, मैं आपके नोएडा स्टूडियो आके काजमी साहब के साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। बस मेरी एक शर्त है, एक शर्त, कि क्या काजमी साहब 9th क्लास पास हैं? अगर हैं तो मैं आके करने को तैयार हूं। अगर उन्होंने पढ़ाई नबी से पहले छोड़ दी थी तो मैं नहीं आऊंगा। कादियानियत का मतलब गाली बकना नहीं होता है, कादियानी के अंदर भी तहजीब होती है। कादियानी ऐसा नहीं होता है कि जो कादियानी हो गया वो सिर्फ गाली से जवाब दे लूंगा। यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, साबित कर दो कि बिल का एक सेंटेंस भी महिला के हित में हो, और मैं सारे पूरे बिल को मैं एक जहालत का पुर्जा बता करके साबित करूंगा। आप नबी पाक हैं? पूरे बिल को एक रद्दी का टुकड़ा बताऊंगा, और वो है। अगर आप नबी पाक हैं तो मैं आपके आर्ग्यू करने को तैयार हूं। ठीक है सर, हो गया। किसी को अगर हिम्मत हो गया तो मेरे चैलेंज का जवाब दे, चाहे वो पात्र हो या आप हो या जो भी हो। क्या आप नबी पाक हैं? उस लड़की का जवाब तो आप दे नहीं पाए। अखिलेश जी आप वेट करिए। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी मैं आपको मौका दूंगा। देखिए अभी तक आचार्य प्रमोद कृष्णम इस दौर में नहीं आए हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, उनके बाद भी मुझे जाना है। मैंने आप सबको मौका दिया है, देखिए नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके पास आता हूं। आचार्य साबित पात्र, होल्ड ऑन।
समित पात्रा होल्ड ऑन, सीरियस टॉक है यार, आचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम आप कुछ कहना चाह रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहना चाह रहे, कैसे बोलूं ये इस हालात में, मैं क्या बोल सकता हूं, बोलिए बोलिए, हालात हमने बना दिए आपके बोलने के लिए, बोलिए आप। अमित देवगन जी, समित पात्रा जी ने अनुमति दी है बोलने की तो मैं बोलूं। अरे सर, आपको संबित पात्रा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ये शो मेरा, डिसाइड मैं करता हूं, मेक योर पॉइंट, आप अपनी बात बोलिए, 50 सेकंड है आपके पास। मैं बड़ी 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 बड़े इत्मीनान से पांच बात करना चाहता हूं कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये भारत के नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं से वादा किया था कि जब हमारी सरकार बहुमत में आएगी तो हम बिल तीन तलाक पर बात करिए ना, पांच सवाल सुने, अरे मैं तीन तलाक पर आप मुझे बोले नहीं दे रहे, आप भी आप और संबित पात्रा में फर्क क्या, फिर बुलाते क्यों आप लोग, नहीं आपको बुलाया मैंने, पर आप मुझे बताइए ना, आप वही पांच सवाल पूछेंगे जो पांच बार पहले पूछ चुके हैं, ये क्या तरीका आपका, मुझे आप शरीयत के बारे में बोलिए ना, नहीं है एक आदमी गुंडागर्दी पे उतारू है, एक आदमी गुंडागर्दी पे उतारू है, वो लफंगा, वो दुनिया भर की बातें करता है, वो मेरी मूंछ काटने की बात करता है, उससे मैं पूछना चाहता हूं, अरे पार्लियामेंट में राम मंदिर का बिल क्यों नहीं लाए, पार्लियामेंट में गौ हत्या पे बिल क्यों नहीं लाए, पार्लियामेंट में गंगा पे बिल क्यों नहीं लाए, 370 हटाने पे बिल क्यों नहीं लाए, ढोंगाचार्य का चोगा फिर खुल गया, शर्म आनी चाहिए, ढोंगाचार्य का चोगा फिर खुला, ढोंगाचार्य फिर एक्सपोज हो गए, ढोंगाचार्य का चोगा फिर खुला, फिर खुला ढोंगाचार्य का चोगा, अगर तुम कितनी बार चोगा खुलेगा फिर भी रोज शाम को ढोंगाचार्य आ जाते हैं, आप जैसे लफंगे लुच्चे गली मोहल्ले के गुंडे लोग, चिंता मत करो ढोंगाचार्य, मैं आपका आचार्य पद छीनता हूँ, पहले मैं सोचता था, मैं आपका आचार्य पद से मुक्त करता हूँ, आराम से घर जाइए ढोंगाचार्य, मैं आपके आचार्य पद से मुक्त करता हूँ, आप आचार्य बनने लायक नहीं है ढोंगाचार्य। कॉलेज में जब आप डॉक्टरी पढ़ रहे थे, आपके कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा संबित पात्रा बहुत बड़ा फ्रॉड है, पहले मैं सोचता था आप झूठे, मैं कुछ जानकारी करने के लिए आपके पुराने दोस्तों से मिला, आचार्य का आप तो बहुत बड़े फ्रॉड है, फ्रॉड हूं ही आचार्य, आप जो आर वेरी बिग फ्रॉड, आचार्य आप फ्रॉड है, मुझे लगता है इतने पर्सनल बात नहीं करने चाहिए, मैं बताऊं प्रमोद त्यागी जी, फ्रॉड अरे भैया हिंदू टाइटल्स को क्यों गाली दे रहे हो, अरे भैया ढोंगाचार्य का फिर ढोंगाचार्य का फिर से खुल गया पिटारा, ढोंगाचार्य का चोगा गिर गया, ढोंगाचार्य का फिर से चोगा गिर गया है, आज ढोंगाचार्य फिर से एक्सपोज हो गए, अरे क्या लफंगे वफंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस देश के साथ आचार्य ढोंगाचार्य जी गली मोहल्ले का गुंडा है, नहीं सबको गाली देता है, अमित देवगन ये सबको गाली देते हैं, नहीं नहीं चेक नहीं चेक नहीं 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 मैं दोस्त नहीं करते, नहीं ये होते कौन है, आप इसे धर्मगुरु ताके बुलाते हैं, नहीं देखिए आचार्य आचार्य मैं आपको कहता हूं अमित जी, आप इसे धर्मगुरु नहीं, तीन तलाक पर बात करते ना आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप बताइए कमाल है, नालायक निकम्मा, आप इन्हें धर्मगुरु कह के बुलाते हैं, ये देश के साथ फ्रॉड कर रहा है आदमी, ये सर देखिए फ्रॉड कर रहा है, मैं इन बातों को एंडोर्स नहीं करता, संबित पात्रा आई डोंट एंडोर्स दिस थिंग, आचार्य प्रमोद कृष्णम देख देखिए देयर इज अ लिमिट, आप देखिए संबित पात्रा में डिबेट नहीं है, पिछले 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, सिर्फ संबित पात्रा पे आप बोल रहे हैं, आप तीन तलाक पर बोलते हैं ना, आपने बोला ये शरीयत पे इंटरफेरेंस है, उस पर रिएक्शन देंगे संबित पात्रा, उस पर रिएक्शन देंगे सैयद रिजवान, उस पर रिएक्शन देंगी जो मुस्लिम महिला बैठी हुई है, लेकिन आप अगर संबित पात्रा पे पर्सनल अटैक करेंगे मुझे लगता है फेर नहीं है, और संबित पात्रा आपको भी ढोंगाचार्य नहीं बोलना चाहिए अगर उनको उससे प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो निवेदन नहीं कर सकता हूं आप दोनों से, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, लाइव डिबेट है ये, व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग दोनों ठंडा पानी पी लेंगे और ब्रेक के बाद बात करें। आप देख रहे हैं आर पार, और ब्रेक से पहले काफी कुछ बातें हुई, लेकिन मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी पर्सनल रिमार्क्स किसी को ना करे, ये मेरा निवेदन है, और लाइव ये डिबेट है, मैं सीधा रुख करता हूँ अखिलेश प्रताप सिंह का इस दौर में। अखिलेश प्रताप जी, मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ और आपसे इसका मैं बहुत सीधा जवाब भी चाहूंगा। जब आपने लोकसभा में एक बिल को सपोर्ट करा तो राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मतलब क्या है? स्टैंड तो कांग्रेस पार्टी का वही होगा जो लोकसभा में था, अब बदल क्यों गया है वो स्टैंड? वो सवाल इसमें ट्विटर पर काफी लोग भी पूछ रहे हैं और आपसे मैं जवाब भी चाहता हूं।
थोड़ा जो है जी थोड़ा समय देगा, बीच मत बोलिएगा क्योंकि बहुत बातें आपको लगेंगी। यदि मैं आज हाँ यदि मैं आज सांसद होता तो मैं आपको इसी बात में प्रेरित लगा के कल लोकसभा में राज्यसभा में मैं आपको तलब कराता। आप राज्यसभा क्यों मना कर रहे हैं? कुछ ऑडियो क्यों लगता है? ये अधिकार है आप, ये अधिकार है आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा जी? बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा लोक कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में जो पास हो, जो लोकसभा में पास हो राज्यसभा मोहर मारे उस पे। सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं बोले तो मैं आगे बोलूं, ये आप अवमानना कर रहे हैं राज्यसभा की बार बार। मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा, मैं आपकी पॉलिटिकल स्टैंड की बात कर रहा हूं। ना गलत कह रहे हैं आप, मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा, कर रहे हैं सुनिए, मैं आपकी पॉलिटिकल स्टैंड की बात कर रहा हूं। अगर आप एक बिल को पास कराएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में रोकेंगे तो उसका फायदा क्या है? ये प्रिविलेज की बात कैसे आ जाती है? इतनी तो अरे रुकिए जनाब, रुकिए जनाब, ये अधिकार है। अरे रुकिए, आप यहाँ बैठ करके उल जलूल बक रहे हैं। मैं उल जलूल बोल रहा हूँ, ये अधिकार है संवैधानिक लोकसभा में। हाँ सुनिए जनाब, आप गलत बोल रहे हैं अमीश देवगन जी, ये अधिकार है राज्यसभा को। नहीं बिल्कुल अधिकार है सर, में अगर कुछ पास है अधिकार की तो बात ही नहीं, मैं स्टैंड की बात कर रहा हूं। राज्यसभा अपना निष्पक्ष है। अरे सुनिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बात क्यों नहीं आने दे रहे हैं? बोलिए, बात क्यों नहीं, ओपिनियन क्यों नहीं आने दे रहे? अरे आपको ओपिनियन आने दे रहे, आप जो बोले उसे मोहर मारते जाए। हम लोग किस लिए आए? मोहर मारते जाए लोग? राज्यसभा अपनी ओपिनियन देने के लिए और अपना बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा अपनी ओपिनियन देने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा पास करती है तो राज्यसभा सिर्फ मुहर नहीं मारती है। बहुत बार हुआ है क्यों बदला गया है? आप बार बार यही कह रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं आप राज्यसभा का, संसदीय प्रणाली का। दूसरी बात, यहां बैठ करके संतों को आप गाली दिलवा रहे हैं, ये अच्छा काम है क्या? अगर आपका विचार नहीं मिलते हैं तो अभी तक मुझे आश्चर्य इस बात का है कि राज्यसभा लोकसभा को अभी तक पाकिस्तानी क्यों नहीं बताया गया? अभी तक बीजेपी ने पाकिस्तानी नहीं बताया? अरे भाई आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात करने नहीं दे रहे हो जी। उसके सलू जो जो लोगों को शंकाएं हैं उसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हो कि ये दो तीन शंकाएं हैं, सरकार जवाब दे, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे राज्यसभा पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग समझा दी, आपके स्टैंड में क्या क्यों तब्दीली हुई है वो नहीं समझा पाए। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू अखिलेश प्रताप सिंह, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू अखिलेश प्रताप सिंह, कानून ऐसा, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू अखिलेश प्रताप सिंह। हां मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। नाजिया जी आप इंतजार करिए अपने टर्न का। संबित पात्रा, देखिए अमीश भाई बड़ा दुखद विषय है, पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल को, बहुत लोकप्रिय चैनल है, देख रहा है किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है। लड़ाई किस बात की है? अगर महिलाओं को अधिकार देने की बात हो रही है, 6 महीने के अंदर कानून बनना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं, देखिए मुस्लिम महिलाएं खुद गई थी कानून के दरवाजे पर, हमने उनको धकेल के नहीं भेजा था, कानून हमने बनाया। क्या हमने गलती कर दी? इस प्रकार से डांटा जा रहा है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं बताता हूं, देखिए मैं कट्टर कृष्ण भक्त हूं भैया, मैं संतों का अपमान, मैं पुनर्जन्म में मैं नरक में सड़ूंगा, संतों का अपमान करूंगा, मगर ढोंगी संतों का खुलासा करना ये अनिवार्य है। सुनिए कृष्ण भक्त दूसरी बात सुन लीजिए अरे बैठिए, इटालियन जी बैठिए, मुसोलिनी जी बैठिए। ये कौन इटालियन आ गया है? ये बताइए इटालियन प्रवक्ताओं को देखिए, ये रोम से आके इतना चिल्लाते हैं, बैठ जाइए, कहां से लोग ढूंढ के आते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ अमीश जी, संबित पात्रा, अमीश जी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। जी जी आपने अपने अपनी बात रखी, 10 सेकंड और लीजिए, बात को कंप्लीट करिए। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं, सही है भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं वाले, बैठ जाइए। सोनिया गांधी मुसोलिनी के परिवार से और यहाँ अखिलेश जी आपको आपका टर्न मिला, अखिलेश जी आपको आपका टर्न मिला, संबित पात्रा आपका टाइम भी पूरा हुआ, अब मुझे बाकी लोगों के बाद भी जाना है। मैं आपको बताता हूं, दौरा पड़ गया है क्या इनको? मैं देखिए ये शब्दों का इस्तेमाल हम, मैं कंप्लीट कर लूं जी, मैं आपको मौका देता हूं, सैयद रिजवान, मेरे को सैयद रिजवान की बात जानने दीजिए, कंप्लीट कर लूं। नहीं नहीं मैं आपको मौका देता हूं, मेरे को ओके संबित होल्ड ऑन, पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम फिर सैयद रिजवान, आचार्य प्रमोद कृष्णम प्लीज, ना 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 बिल्कुल नहीं, मुझे 10 सेकंड कंप्लीट करने का। अमित देवगन जी, संबित मैं आपको मौका दूंगा 10 सेकंड का। मैं अमित देवगन जी, मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं,
कि डिबेट अपनी जगह है, राज्यसभा का लोकसभा का मामला अपनी जगह है, लेकिन सच बात यह है कि ये जो संबित पात्रा जी हैं, संबित पात्रा में बस्तर अटैक का बंद करिए ना आप, और ये धमकाना चाहते हैं, ये धमकाना चाहते हैं, ये राम मंदिर पे बिल क्यों नहीं लाते, गंगा पे बिल क्यों नहीं लाते, गौ हत्या पे बिल क्यों नहीं लाते, ट्रिपल तलाक की डिबेट बिल क्यों नहीं लाते, एक मुझे राज्यसभा की प्रोसीडिंग समझा रहा है और आप मुझे तलाक सुनिए, इस देश के मुसलमानों से अगर इतनी आपत्ति है मुसलमानों को धमकाना चाहते हो, हिंदू और मुसलमान के बीच में इस देश को बांटना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए, आप लोग देश के गद्दार हैं, आप लोग इस देश को करेंगे तभी तो बोलूंगा, अब रुकिए रुकिए चारों तरफ किशम अमीश जी, भारत माँ का, अमीश जी सभी पात्र बोलिए, 30 सेकंड देता हूँ प्रधानमंत्री, अमीश जी अमीश जी सभी पात्र में क्यों बोलिए नहीं है, 30 सेकंड अमीश जी जी देखिए अमीश जी बड़ा दुखद है, मैं आपको बताता हूं संत का गुण क्या होता है, संत के शब्दों में लफंगे लुच्चे निकम्मे ऐसे शब्द कभी नहीं आते हैं, संतों का भाव मुस्कुराना होता है, इसलिए मैं प्रमोद कृष्णन को ढोंगाचार्य कहता हूं, और दूसरी बात फिर शुरू होगा ढोंगाचार्य, फिर ढोंगाचार्य शुरू हो गए, हाँ हाँ आप मार देना मुझे, जान से ही मार देना, जब वक्त बदलेगा तो आप मुझे जान से मार देना गुरुजी, आप मुझे जान से ही मार देना, अरे ढोंगाचार्य फिर चोगा खुल गया है, शांति से बैठिए, अरे ढोंगाचार्य आप सोनिया गांधी से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, 2014 में कांग्रेस से टिकट लेकर आपने ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर, अरे अमीश भाई ढोंगाचार्य गलत बात है, अमीश भाई ये गलत नहीं, आप अमीश भाई का गलत बात है, सैयद रिजवान, सैयद रिजवान, सैयद रिजवान लगता है आवाज नहीं जा रही वहां तक, ओके मेरे पास आखिरी दौर है, ओके ओके नहीं मुझे बड़ी हैरत होती है देख करके जी, किस तरीके से पात्रा जी जो है सूफी संतों का स्पिरिचुअल लीडरों का अपमान कर रहे हैं, अरे सर आप ट्रिपल तलाक पर आइए ना, आप भी दिनेश डिबेट का बात करना चाहते हैं, आप तीन तलाक पे बोलिए ना, तीन तलाक पे बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, आप तैयारी नहीं है, कोई नहीं तैयार है बात करने के लिए, मैं तो आप भी तैयार है, सिर्फ आप ही तैयार है, करता हूं सबको कि आप ही तैयार है, सिर्फ आए और ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, महिला के हित में कहां पर है, ठीक है ठीक है सर, चल ठीक है, टाइम ओवर हो गया समित पात्रा लास्ट 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, आपको मौका नहीं मिला था 10 सेकंड समित पात्रा, 10 सेकंड होल्ड ऑन समित पात्रा, 10 सेकंड आपके पास है, मुख्य पॉइंट देखिए अमीश भाई आज जो डिबेट में हुआ वही राज्यसभा में भी हुआ, शुक्रिया आप तमाम लोगों का, शुक्रिया इस डिबेट में जुड़े रहने के लिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम इतनी इजाजत देता है, मुझे पता है काफी लोग काफी कुछ कहना चाहते थे, आप लोगों ने इस डिबेट को देखा, बहुत पसंद करा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया, नमस्कार, वक्त है अगले शो का।